कर्ण पिशाचिनी, कौन है ये कर्ण पिशाचिनी, क्या करता है ये कर्ण पिशाचिनी? कर्ण पिशाचिनी ऐसा बताया जाता है कि शी इज वन ऑफ द मोस्ट लोएस्ट फॉर्म ऑफ माँ दुर्गा। शी इज वन ऑफ द मोस्ट लोएस्ट फॉर्म ऑफ द डिवाइन फेमिनाइन। माँ दुर्गा वन ऑफ द मोस्ट टॉप फॉर्म में बैठा है जो कि इंडिकेट करता है पॉजिटिविटी, पर जो कर्णा पिशाचिनी है वो इंडिकेट करता है नेगेटिविटी। लोग ऐसा बताते हैं कि कर्णा पिशाचिनी लोगों का भूत, वर्तमान और भविष्य साधक के कान में बता के जाते हैं, एंड उसके लिए उस साधक को कठोर तपस्या करना पड़ता है। हाय गाइस, मैं हूं सोनू आपके साथ और आप देख रहे हैं टॉक विद सोनू। वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ दिस चैनल। एंड आज का जो एपिसोड है ये वन ऑफ द मोस्ट स्केरियस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डरावना एपिसोड होने वाला है अब तक जितना भी मेरा एपिसोड्स आ चुका है, क्योंकि आज का एपिसोड बहुत सेंसिटिव एपिसोड है। एंड आज का जो टॉपिक है वो है कर्णा पिशाचिनी। आई होप बहुत सारा मेरा जनता इसके बारे में जानता है, पर आज मैं एक ऐसा केस लेके आया हूँ जो कि यूपी से है, बहुत ही छोटा है पर डरावना है, एंड बहुत सारा कुछ चीज़ जानने को मिलेगा इस स्टोरी के थ्रू। तो अगर आप भी चाहते हो आपका स्टोरी हमारे चैनल पे फीचर हो पाए, यहाँ पे देखो एक फॉर्मेट आ रहा है, जीमेल आईडी आ रहा है, फटाफट से जाओ भाई लोग एंड स्टोरी सेंड करो। एंड हाथ जोड़ के बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग जो सपोर्ट दिखा रहे हो वीडियोस में वो बहुत बढ़िया। एंड बहुत सारे लोग आसाम से, मणिपुर से कमेंट कर रहे हैं कि भैया आपका वीडियो देखने में बड़ा मज़ा आता है, आप बहुत ऊपर जाओगे, तो इट फील्स गुड ब्रो। तो चलो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। एंड आज का एपिसोड बहुत 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 वाइटल है, तो प्लीज़ पुट योर ईयरफोन्स टू गेट अ इमर्सिव एक्सपीरियंस। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कर्णा पिशाचिनी, एंड उसी से रिलेटेड एक केस आया जो कि उत्तर प्रदेश से है। तो पहले मैं आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ बता दे रहा हूँ, जिनको पता है वो तो सुन लो, हो सकता है कोई पॉइंट आपसे मिस हो गया हो सकता है मेरा वीडियो सुनने के बाद वो पॉइंट आपका दिमाग में क्लियर हो जाएगा, एंड जिनको पता नहीं है वो तो ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं कर्ण पिशाचिनी के बारे में पढ़ के आया हूँ, ना कि वीडियोस देख के। मैंने इन दिनों, मतलब 3 दिन पहले मेरे पास ये स्टोरी आया, एंड 3 दिन से मैं कंटिन्यू इसके बारे में जितना रिसर्च हो सके, जितना पढ़ाई मेरे से हो सके, हाँ पढ़ाई मैंने किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन जाए एंड लोग तो गालियां मुझे कमेंट सेक्शन में देके जाए, तो मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा। तो पहले बता देना चाहता हूँ, कर्णा पिशाचिनी ये एक वन ऑफ द मोस्ट लोएस्ट फॉर्म है, नेगेटिव एंटिटी है। जैसे कि मान लो माँ दुर्गा जो कि है वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवाइन फेमिनाइन, वैसे ही कर्णा पिशाचिनी ये एक फेमिनाइन फॉर्म है जो कि नेगेटिविटी को टारगेट करता है। माँ दुर्गा ब्लेसिंग्स देता है पॉजिटिवली, पर कर्णा पिशाचिनी ब्लेसिंग्स देता है नेगेटिवली। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि कर्णा पिशाचिनी आपको मार देगा या फिर कुछ, पर कुछ पॉजिटिव के साथ साथ कर्णा पिशाचिनी के नेगेटिव इफेक्ट्स भी आते हैं। ऐसा बताया जाता है कि कोई साधक अगर चाहे कि वो कर्णा पिशाचिनी सिद्धि हासिल करेगा, उस साधक को ऐसे ही नहीं मिलती वो शक्ति। पहले उस साधक को 15-20 दिन पहले नहाना, खुद को, मतलब खुद का जो हाइजीन होता है वो मेंटेन करना छोड़ना पड़ेगा। आप साफ सुथरा रह के ये प्रोसीड्योर फॉलो नहीं कर सकते। आपको अपना जो आहार है, आपका जो खाना है, वो आप नॉर्मल खाना नहीं खा सकते हो। इसके बाद आप, मैं जो लाइन बोलूंगा सुनने के बाद आपको शायद से उल्टी आ जाए, पर यही सच है। जो भी साधना करता है सिद्धि का, उस 15-20 दिनों में तो नहाने की बात तो छोड़ो, वो लोग उन 20 दिनों में, 15 या 20 दिनों में अपना मल मूत्र खाता पीता है, मल खाता है, मूत्र पीता है, ऐसा अपने ऊपर छिड़कता भी है। मतलब वही एक तरीके से
बोल सकते हो कि नहाना हो गया मूत्र से, क्योंकि मल मूत्र नेगेटिव चीज है। उस सिद्धि के लिए यही जरूरी है कि जितना भी नेगेटिव चीजें हैं उसको आप वेलकम करो। ऐसा भी बताया जाता है कि जितना भी साधक इस सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं उन सारे लोगों ने यही प्रोसीड्योर फॉलो किया। उन 15-20 दिनों में पूरे शरीर के ऊपर मल लगाना पड़ता है एंड दिन में 1100 से लेके 1500 बार उस मंत्र का जाप करना पड़ता है। 15-20 दिन के बाद कर्ण पिशाचिनी आपके सामने आके हाजिर होता है एंड तब भी यहां पे रुकता नहीं है। कर्ण पिशाचिनी का कुछ रूल्स है, अगर उस रूल्स को आप वायलेट करोगे तो हो सकता है कि आपका मृत्यु भी हो जाए या फिर आप मानसिक संतुलन खो बैठो। ऐसा बताया जाता है कि कर्ण पिशाचिनी ये जो सिद्धि है, अगर आपके पास प्रॉपर गुरु नहीं है तो आप बिल्कुल भी प्रैक्टिस मत करो। हो सकता है आपसे कोई गलती हो गया हो, आपका गुरु सही कर सकता है पर आपको पता नहीं है, तब तक आपका जान भी जा सकता है। कर्ण पिशाचिनी का कुछ रूल्स है, अगर रूल्स को अगर आप वॉयलेट करते हो तो आपका जान भी जा सकता है। अगर आप कर्ण पिशाचिनी सिद्धि को फॉलो कर रहे हो एंड अगर आपने हासिल कर लिया, रूल्स ऐसा बताते हैं कि आप किसी के साथ भी ये सीक्रेट शेयर नहीं कर सकते जब तक वो आपका शिष्य नहीं बन जाता एंड जब तक उसके अंदर भी ये डिजायर पैदा नहीं होता कि मुझे भी वो सिद्धि हासिल करना है। आप उस कर्ण पिशाचिनी के गुलाम बन के रहोगे। जब भी वो कर्ण पिशाचिनी आपको बुलाएगा आपको जाना पड़ेगा इंटरकोर्स करने। आपने सही सुना, इंटरकोर्स करने। आप मना नहीं कर सकते हो एंड पर्सनली मुझे जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज लगा, अगर आपने आपके प्रैक्टिस से आपने संतुष्ट किया, अगर आपने उस पर्टिकुलर एंटिटी को किसी को ट्रांसफर करके नहीं गए तो मरने के बाद आपको मोक्ष प्राप्ति नहीं होगा। ऐसा बताया जाता है कि मान लो आपने अपने प्रैक्टिस के थ्रू आपने वो सिद्धि हासिल कर ली पर अचानक से आप मर गए, उससे पहले आपने अपना जो कर्ण पिशाचिनी है उसको किसी को नहीं दिया, मतलब खुद से ट्रांसफर नहीं किया, तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। आप कोई एक पर्टिकुलर योनि में अटक जाओगे, ऐसा बताया जाता है। मैंने पढ़ा भी है, मैंने सुना भी है, मैंने वीडियोस भी देखा है कि ऐसा ऐसा होता है, ना कि ये कोई मनगढ़ंत बातें हैं। इसके बाद मैं जब स्टोरी कवर करूंगा उसमें भी मैंने कुछ ऐसा ही सुना है एंड जब मैं पढ़ूंगा वो स्टोरी आप सुनना। एंड ऐसा बताया जाता है कि वो ऐसे ही ट्रांसफर नहीं होता कि तुम मेरा शिष्य बन जाओ, मैं तुम्हारा गुरु बन जाता हूँ, मैं मरने से पहले तुम्हें ये दे के जाता हूँ, ऐसा नहीं। आपको एक प्रॉपर प्रोसीड्योर फॉलो करके ही उस कर्ण पिशाचिनी को ट्रांसफर करना पड़ेगा। आपका जो शिष्य है वो खुद आएगा आपके पास अपना डिजायर लेके कि मुझे भी वो सिद्धि हासिल करना है, तभी आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, तभी आप उस कर्ण पिशाचिनी के हाथ से बंधन से मुक्त हो सकते हो, वरना वो आपके साथ ही रहेगी, आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी एंड आपके आपके आत्मा को कभी भी मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा ही कुछ एक स्टोरी है यूपी का एंड ये स्टोरी में मैंने 2-3 बार पढ़ा क्योंकि बढ़िया लगा स्टोरी, मतलब बहुत 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 यूनिक स्टोरी है, मैंने ना कोई भी प्लेटफॉर्म में सुना है एंड ना कहीं पे पढ़ा है क्योंकि ये रियल लाइफ स्टोरी है। तो भाई ऐसा बता रहा है कि भाई के गांव में एक ऐसे ही तांत्रिक बाबा थे जो कि 3 साल पहले गुजर गए एंड उस बाबा के पास भी तब के टाइम पे लोगों को इतना कुछ समझ नहीं आता क्योंकि
ये सब अभी YouTube के ज़माने में इतना फेमस हुआ है, लोगों को पता चल रहा है कि ये था, मतलब ये भी होता है। क्योंकि देखो, एक बहुत पुराने ज़माने के लोगों को पता है कि हाँ ये सब होता है, पर अभी के टाइम पे मतलब हमारे जेनरेशन को ये पता है कि ये सब होता है। क्योंकि जितने भी लोगों को ये पता है वो अपना ज्ञान पब्लिक प्लेटफॉर्म जैसे कि YouTube, Instagram, Facebook पे आके दे रहे हैं, पर तब के टाइम पे पता नहीं था, 3-4 साल पहले। तो बात कुछ ऐसा है कि वो जो बाबा था वो ऐसा दावा करता था कि वो तुम्हारा भूत, भविष्य, वर्तमान बता सकता है। एंड भाई ने ये कहा कि वो 100% सही बताता था। इसीलिए उस बाबा का चर्चा यूपी में बहुत था, बहुत। 3 साल हुआ है बाबा गुजर गए। जो सबसे मतलब एक बात जो जिसके लिए मुझे ये स्टोरी बिलीव करना पड़ा, जब बाबा गुजर गए, बाबा का जो बॉडी था किसी भी प्रकार से वो फायर कैच नहीं कर पा रहा था। ये बड़ा ही अजीब सा लगा मुझे सुनने में। ऐसा लिख रहा है भाई कि जब बाबा को चिता में प्रवेश करवाया तो भाई ने ऐसा लिखा कि आग तो लग रहा है इस बॉडी पे, पर बाबा को शरीर जल नहीं रहा। बहुत कोशिशों के बाद बाबा के बॉडी के ऊपर पेट्रोल जैसा कुछ फ्लेमेबल चीज छिड़काया गया ताकि बॉडी फायर पकड़े, एंड तब जाके बाबा का वो जो काम होता है वो संपन्न हो पाया। उसके ठीक 3 दिन बाद बाबा का एक नाती था, उस नाती को ये सपना आता है कि घर में एक पूजा करवाओ। कुछ एग्जैक्ट बोला था वो भाई को भी नहीं पता, ऐसे ऐसे करके पूजा करवाओ क्योंकि मैं कहीं पे अटक चुका हूँ एंड यहाँ पे मुझे हेल्प करने वाला कोई नहीं है। अगर तुमने घर में पूजा नहीं करवाया तो अनंत कालों के लिए मैं यहीं पे फंसा रहूँगा, ये सपने में बोल के गया अपने नाती के। एंड उसके बाद अपने मतलब बाबा के नाते ने ये सारा कुछ चीज़ पूरे गांव वालों को बताया। फिर गांव वालों को मतलब गांव वाले ने बाबा के घर पे, क्योंकि बहुत बड़ा भक्त था, मतलब पूरा गांव बाबा का भक्त था, तो फिर बाबा का मतलब अंतिम संस्कार का कुछ हुआ, उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप का पूजा किया गया। एंड उसके 7-14 दिन बाद फिर से नाती को सपना आता है। एंड वहाँ पे मतलब नाती ने ऐसा देखा कि बाबा हाथ जोड़ के ये बोल रहा है कि बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने ये करवाया, वरना मैं शायद इस योनि से कभी निकल नहीं पाता। एंड ये मुझे पहले पढ़ने पे लगा कि मतलब ऐसे ही भाई ने अगर स्टोरी दिया है तो लिख दिया कि एक फेरी टेल हो जाएगा, भाई भी पढ़ के सुना देगा। पर जब मैंने पढ़ा ना वो पार्ट कि अगर आप ट्रांसफ़र करके नहीं जाते हो किसी को, तो हो सकता है आपकी आत्मा को मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी, आप अटक जाओगे कोई लोक में, प्रेत योनि में, प्रेत लोक में आप अटक जाओगे। तो ये कहानी बहुत मैच किया उसके बाद। एंड मुझे कहीं ना कहीं लगा कि भाई ने एग्जैक्ट वही बोला जो भाई ने सुना। तो यह था आज का कहानी। आई होप आपका कहानी आपको बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि ये मेरा सबसे फेवरेट कहानी था। अभी तक मेरा 7-8 एपिसोड शायद से आ चुके हैं, बहुत बढ़िया एपिसोड था ये। एंड भाई बहुत शुक्रिया कि ऐसा टाइप का स्टोरी मेरे पास पहली बार आया, मतलब मैंने कभी सुना नहीं था ऐसा टाइप का कोई स्टोरी। एंड स्पेशली स्टोरी का जो पार्ट सबसे ज़्यादा हिट किया मुझे कि बाबा का बॉडी फायर नहीं पकड़ रहा था, क्योंकि इंसान का बॉडी है, कैसे हो सकता है कि वो बॉडी मतलब चिता में है एंड चिता उस बॉडी को मतलब जला नहीं पा रहा। तो ये काफ़ी अलग था, गूजबम वाला था। एंड आई होप सो आप लोगों को कर्ण पिशाचिनी के बारे में चीज़ें क्लियर हो गया कि क्या है क्या नहीं है। फिर से बता देता हूँ, वो एक नेगेटिव एंटिटी है जिसके बाद बहुत पावर होता है। अगर आप उसका सिद्धि हासिल कर लेते हो, प्रैक्टिस के थ्रू आप संतुष्ट कर पाते हो, देन आपके पास बेशुमार दौलत,
सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारे कान में आके भूत भविष्य एंड वर्तमान बता के जाएगा। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसके बाद तो भाई मुझे लगता है, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि जितने भी अभी क्राइम पे इंटरनेट में जितने भी पूजनीय बाबा फेमस हुए हैं, पता नहीं उन्होंने कैसे ये हासिल किया। हो सकता है कि कर्ण पिशाचिनी कुछ ऐसा है, तो मुझे तो पता नहीं, मैंने सिर्फ गेस किया। आपका थॉट्स, आप जो भी सोचते हो इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना भाई लोग। यहाँ पे देखो टॉक विद सोनू आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी मैं क्रीपी स्टोरीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटी ये सब लेके सारा कुछ चीज़ पोस्ट करूँगा। अभी हमारे यहाँ पे दुर्गा पूजा है, तो इन दिनों इतना मेहनत जा रहा है, मतलब एक एक दिन में 2-3 वीडियोज़ भी शूट करना पड़ रहा है, उसके बाद एडिट सारा कुछ, अब समझते हैं। तो भाई को थोड़ा सपोर्ट करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक बहुत बढ़िया कहानी लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।